सबसे शक्तिशाली चीज परमात्मा है। और जब आप परमात्मा के बंदे हो जाते हैं तो वो आपको देखता है और आपको संभालता है। वैसे भी वो आपको संभालते रहते ही हैं, इसलिए थोड़ी मोटी चोट लग जाएगी किसी शरीफ आदमी को, छोटा मोटा हो जाएगा जैसे आपके हो गया। छोटे बच्चों को आप जानते हैं, ऊपर से बच्चे गिर जाते हैं उनको कहते हैं देवदूत उठा ले। खासकर विशेष करके जो बच्चे प्रबुद्ध होते हैं, जैसे ये बच्ची है, अब ये पैदाइशी रियलाइज हुआ, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, ये बचपन से बीमार रहेंगे क्योंकि इनके ऊपर हमेशा शैतानी हल्ला होता है। हमारे अंदर जो लेफ्ट साइड और राइट साइड की जो दोनों नाड़ियां मैंने आपको बताई थी सवेरे, उसे एक साइड में जब लेफ्ट में आप जाते हैं तो कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, मैंने सामूहिक सुप्त चेतन है, और अगर राइट साइड में आप जाते हैं तो कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस। लेफ्ट साइड में ऐसे लोग रहते हैं मरे हुए कलेक्टिव सबकॉन्शियस में कि जो अभी तक तृप्त नहीं, आपको परेशानी हो रही है, जो अभी तक तृप्त नहीं है और जिनकी आत्माएं अभी भटक रही है, लेकिन जो बहुत ही गंदे किस्म के, छोटे किस्म के, चोर उचक्के, ऐसे लोग, और दूसरे किस्म के जो लोग होते हैं जो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, एम्बिशियस लोग होते हैं, जैसे हिटलर स्टाइल के लोग, ये भी दूसरे साइड में अपने होते हैं कलेक्टिव सामूहिक। आज एक साहब ने मुझसे कहा कि आप मुझे मंत्र दीजिए माता जी। जो लोग मंत्र देते हैं बड़े धोखे में आपको रखते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको किसी ने राम का मंत्र दे दिया, आप तो कभी पूछेंगे नहीं कि भाई हमें राम का मंत्र तुमने क्यों दिया। अब आप रटने लगे राम 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 राम। अब राम जो है वो कोई आपके नौकर तो है ना, उनको आप बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, आपका क्या अधिकार है? सोचने की बात है कि जब आपको अधिकार ही नहीं तो आपको बुला कैसे रहा। एक छोटी सी चीज है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अभी हैं, उनको अगर आपको मिलना है तो क्या आप उनके पास सीधे जा करके कह सकते हैं कि मुराद जी हमसे बात करिए? उनको मिलने के लिए प्रोटोकॉल होता है, 17 जगह आप जाइए, दौड़िए, इनसे मिलिए, उनसे मिलिए, तब मिल सकते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इतने सस्ते मिल जाएंगे आपको कि आप बस पुकारने लग जाए वो आके हाजिर हो जाए। हो सकता है राम नाम का कोई नौकरी हो इधर या उधर फंसा हुआ जो आपके अंदर घुस आता है और आपको एकदम ऐसा लगता है कि वाह भाई मेरे को तो बड़ी शांति मिल गई क्योंकि उसने आपका काम ले लिया, वो आपके अंदर आ गया, आपको लगा वाह साहब मेरा तो काम बड़ा जबरदस्त हो रहा है। या आपने जाना नहीं कि आपने अपने को नहीं खोजा है, ये कोई दूसरा ही अपने ऊपर लाद लिया, और ये जो दूसरा लादा हुआ आदमी है इसको अपने एक ही शरीर पर आप लाने चले जा रहे। 5-6 साल बाद आप देखिए आपका शरीर यूं थर 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 लट लट आएगा और आदमी कमजोर हो जाता है। इन शक्तियों से भी परिचित होने की बहुत जरूरत है। सहयोग में आने के बाद जब आपके वाइब्रेशन आते हैं तब आप देख सकते हैं कि आस पास में किस तरह की शैतानी शक्तियां भी चलती हैं और परमात्मा की शक्ति किस तरह से आपको हर चीज में कामयाब कराती हुई, किस तरह से आगे बढ़ाती और किस तरह से वो रास्ता ढूंढ करके और आपको सही रास्ते पर पहुंचा दे, ये देखने लायक चीज। इसके अनेक अनुभव लोगों को आए हैं और आपको भी आएंगे, इसलिए आप पार हो लीजिए और इस चीज को प्राप्त करो। मैंने आपको नाभि चक्र के बारे में भी बताया था कि इस चक्र में हमारी जो खोज है उसके बीज है। जब जानवर खाना खोजता है वो भी इसी वजह से, और इंसान जब परमात्मा खोजता है वो भी इसी वजह से। परमात्मा को खोजना भी मनुष्य के अंदर ही निहित बना हुआ है, इसकी खोज उसके अंदर है, वो चाहे माने या चाहे न माने, जब तक इसको वो पूरा खोज नहीं लेगा उसको तृप्ति नहीं आने वाली। वो अपने को भूखा रखे थोड़ी देर लेकिन उसको चैन नहीं आने वाली, उसको परमात्मा को खोज के निकालना पड़ेगा। और जब वो परमात्मा को खोजने निकलता है तब चारों तरफ से सप्लाई भी शुरू हो जाता है। आप जानते हैं किस तरह के लोग संसार में आकर के परमात्मा के नाम पे कोई भी चीज़ बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं और किस तरह से गलत सलत झूठ चीज आपको बेचते हैं और उनके बारे में कुछ भी कहिए, उनके बारे में इतना अखबारों में निकलता है, छपता है, पर तो भी लोग उन्हीं के चरणों में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि एक तरह की मंत्रमुग्धता है, इतना एक झूठ है, उस झूठ को मान लेते हैं और उस झूठ से छुट्टी नहीं पा सकते।
बहुत मुश्किल हो जाता है उनको झूठ से छुट्टी पाना। इसके चारों ओर जो आप देख रहे हैं हरा रंग आदि बनाया हुआ है, यही भवसागर है। मनुष्य के अंदर भी ये भवसागर है। इस भवसागर को पार करने के लिए कुंडलिनी को कोई ना कोई सोपान, कोई ना कोई ब्रिज बनना चाहिए, और उस ब्रिज को सिर्फ सहयोग में घटित होता है कि जब आप मेरी ओर हाथ किए हुए हैं या किसी भी आप ऐसे रियलाइज सोल की तरफ हाथ करेंगे तो जो आपके अंदर में चैतन्य की लहर रह जाती हैं वो आपके हाथ से गुजर करके नीचे में वहाँ पर एक सोपान बना देता है। उस सोपान से ही कुंडलिनी ऊपर में चढ़ के आ जाती है। लेकिन अगर इसमें कुछ खराबी हो, इस सोपान में या आपके नाभि चक्र पे या इसके चारों तरफ फैले हुए इस भवसागर में जहाँ की गुरु के स्थान है, अपने यहाँ 10 गुरु माने गए हैं असल में, इसको कि प्राइमोर्डियल मास्टर कह सकते हैं जिसके बारे में मैंने आज बताया था आपसे। लेकिन छोटे गुरु, झूठे गुरु भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा गुरु हैं झूठे। और जिस आदमी ने किसी भी झूठ का पल्ला पकड़ा है उसके लिए कुंडलिनी यहाँ से चलती नहीं, वहीं अटक जाती, उसके 2 चक्र पकड़ते नाभि और ये। उस पर अगर किसी से पूछा जाए कि आपके गुरु कौन है तो उन्होंने बताया साहब फलाने ढोंगानंद भंगानंद जो भी नंद हो, नाम तो ऐसे उनके रखते हैं कि भगवान ही बचा रहते, फलाने हमारे गुरु। अच्छा, तो कहा जाए कि भाई वो गुरु तो ठीक नहीं है क्योंकि आपकी कुंडली नहीं रुकती है नाभि पर। अब आप हमारे पास पार होने के लिए आए हैं ना, आप अपना इलाज कराने के लिए आए समझ लीजिए। अब आपने कोई बदपरहेजी की तो हमें बताना होगा या नहीं? आपको अगर डॉक्टर कहे कि देखिए आपने खट्टा खाया इसलिए आपको नुकसान हो गया तो क्या आप डॉक्टर से लड़ेंगे कि नहीं साहब डॉक्टर वो खट्टा खाना ही ठीक है? ये तो पागलपन की निशानी। लेकिन उस गुरु का लेकर के झगड़ा खड़ा कर देंगे। अगर एक मिनट में इस बात को मान लें कि हाँ अगर हमारे गुरु ठीक होते तो आज हम पार होते। माने कहा है कि जो असल गुरु होगा तो हम तो उसके शिष्यों से पहचानते, उसके कुंडलिनी से पहचानते, हम तो किसी भी गुरु को नहीं जानते थे। जैसे कोई हमारे सामने आता तो हम समझ जाते कि ये कौन से गुरु के चेले आए हुए हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक गुरु थे, वो बहुत अपने को समझते थे, सन्यासी थे, अपने को सन्यासी लोगों से हम लोग बड़े अभिभूत रहते हैं, सोचते हैं वाह 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 सन्यासी आदमी आ गए तो बस सन्यासी। तो मैं इतनी घबराती हूँ, मैंने आपसे बताया कि सन्यासियों से बहुत दूर रहता। तो अगर सन्यासी कोई अपने सामने आ गया तो लोग सोचते वाह भाई इससे बढ़कर कोई नहीं, वो सन्यासी का जीवन कैसा है, उसका खान पीन कैसा है, वो किस तरह से लोगों को खसोटता है नोचता है, ये कोई नहीं देखता। उसने सन्यासी का वस्त्र पहन लिया और बड़ा दिया। और उनकी कुंडलिनी में एक विशेषता होती है कि कुंडलिनी एकदम ऊपर चढ़ के धड़ से फिर नीचे गिर जाती, उसको बांधना पड़ता। सबके एक एक तरीके हैं, उससे आप पहचान सकते हैं कि इनके गुरु कौन थे। इतने झूठे गुरु संसार में आए हुए हैं कि आपको अंदाज नहीं है कि कितने गुरु आए। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।